जी विकास सर, और भी कोई और सर स्टॉक है जो दूसरा, आपके? हाँ दूसरा स्टॉक देना चाहूंगा आरके फोर्ज, जिसको कि हम लोग रामकृष्ण फोरिंग्स के नाम से भी रामकृष्ण जानते हैं। जी। ये अभी 281 के करीब चल रहा है, ये करीब 281 के चल रहा है, इसको बाई करना है। ये कॉन्ट्रा बाई है 287 के ऊपर, जैसे ये प्रीवियस स्टॉप्स के ऊपर मेंटेन करता है ना, 287 के ऊपर बाई करिए। एक छोटा स्टॉप लॉस दीजिएगा 287 के ऊपर, जब बाई करिएगा 279 का। पहला टारगेट रहेगा जी 305 का और दूसरा टारगेट रहेगा 329 का। तो ये है रामकृष्ण फोर्जिंग में एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं टारगेट, लेकिन आपको कंडीशनल वो बता दिया है कि कहाँ पे करना है। सर क्या लेवल एक बार फिर से बताइएगा, कब एंट्री करनी है? 287 के ऊपर बाई करना है सर। अगर 287 के ऊपर ये थोड़ा सा भी सस्टेन कर जाता है, 1 से 2 मिनट भी अगर सस्टेन कर जाता है, बाई कर लीजिए। स्टॉप लॉस रखेगा 279 का और टारगेट रखेगा 305 और 325 के करीब का। ये है रामकृष्ण फोर्जिंग, इसके अंदर में अपॉर्चुनिटी है, आपको तरीका बता दिया है और कंडीशन बता दिया है कि कब खरीदना है, कब किस तरीके से काम करना। बढ़िया सर, और भी कुछ है आपके रडार पे? नहीं सर, ये दो स्टॉक रखूंगा, बाकी आप सवाल पूछ सकते हैं सर। ठीक है, सवालों पे जाएंगे। बहुत सारे नए दर्शक, बहुत सारे पुराने दर्शक, एक बार फिर स्वागत है सभी का। नए दर्शकों को बता दूं, पुराने दर्शकों को याद दिला दूं, एक कमेंट में एक ही सवाल पूछिए, रिपीट मत करिए, और अगर जल्दी सवालों का जवाब चाहते हैं तो सुपर चैट का यूज़ कर लीजिए या क्यूआर कोड का भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है।